हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है आपका 30 नवंबर, मतलब दिवाली के एक दिन बाद। गाइस, तो आज हमने जनरली उठा सुबह 7 बजे। गाइस 7 बजे उठा, पर रिग्रेट भी हुआ कि 2 दिन नहीं पढ़ा, पर कोई नहीं, फेस्टिवल से सेलिब्रेट किया। और गाइस, उसके बाद हमने अपना मैथ का स्टैटिक्स का लेक्चर आया था रिकॉर्डेड, तो उसको मतलब 2 आवर 34 मिनट का था, तो वन अप्रॉक्स 2 आवर्स देख लिए हैं उसको, क्योंकि क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करना उसको बाद में करेंगे गाइस। और हमने अभी तक मतलब लंच टाइम मतलब नहीं ब्रेकफास्ट ले लिया है, तो फटाफट से चलता हूँ, अभी देखता हूँ अभी ट्रैक्टर कैसा सुबह से दिख रहा है, और उसमें ग्रीसिंग करना है, क्योंकि धोया हुआ है, अब अच्छे से वॉशिंग हुआ है, तो उसमें ग्रीस करना ज़रूरी है। तो देखो गाइस, सुबह से ये वाला पेज ये और ये इतना हमने मतलब बस सुबह से पढ़ा। अभी आपको बज रहा है 11:30 के आसपास। गाइस, दिन में देख लो ट्रैक्टर को, कुछ इस प्रकार लग रहा है। रात को पूजा हुआ था, ये स्ट्रिप्स भाई मिल नहीं रहा था, बहुत सर्च करने के बाद मिला कई दुकान पे। ये वाला तो आसानी से मिल गया था, पर देखने में ज़्यादा देरी से मिला, अच्छा भी यही लग रहा है ज़्यादा। देखो अभी इसमें ग्रीसिंग करना है हमको, साइकिल्स भी खड़ी है अपनी कुछ इस प्रकार से, उधर अपनी प्यारी सी राइस मिल और थ्रेसर है। फटाफट से चलता, रंगोली को देखो किसी ने ऐसे कर दिया पूरा सिर्फ उसका बिगाड़ दिया। फटाफट ग्रीसिंग करता हूँ, ये रहा अपना ग्रीस गन, और इसे ग्रीसिंग करता हूँ। तो गाइस देखो, इसमें ग्रीसिंग की है ना, वहाँ से फुल हो गया। ये सारे पॉइंट दिखा दो, अभी यहाँ पे ग्रीसिंग किया हूँ, यहाँ पे किया हूँ, यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे, इधर इधर हुई, इधर इधर भाई, हाँ, और उधर सामने से दिखा दो, इधर से जी वो, एक इधर तो गाइस देखो, इसमें ग्रीस जा रहा है, यहाँ से ओवरफ्लो हो गया तो मतलब चला गया। देखो गाइस, वहाँ पे काला काला निकल रहा है ना, ये रेड ग्रीस है लेकिन काला निकल रहा है, मतलब पुराना निकल रहा है, नया जा रहा है। इसमें का ग्रीस नोजल नीचे है गाइस, इसलिए रोहित से कहूँगा रोटावेटर उठाने के लिए। रोहित स्टार्ट कर दो, कुछ करना मत, बस स्टार्ट करके उठाना है। बस उठा दो, बस बस बंद कर दो। रोहित नीचे आओ, घुमाओ, चलो
भाई। ओ भाई इसमें तो यहाँ से निकाल लिया, मतलब है जगह। ये साइड से आ रहा है। तो गाइस नहा खाकर एकदम रेडी हो गए हैं। आज मालूम है खाने में क्या बना था? आलू का सब्जी और सोहारी और टाइप जो पूरी होती है वो और सेवई था। हम सोचे खाकर फटाफट लाइब्रेरी निकल जाएंगे, पर लाइब्रेरी निकलने से पहले हमने देख लिया स्टेटस मतलब व्हाट्सएप पे कि उन्होंने मतलब मैसेज डाला है ग्रुप में कि आज लाइब्रेरी उनका बंद है ड्यू टू दग्धा, ऐसे कुछ मतलब कि दीपावली के एक दिन बाद ऐसे बंद है। तो कहीं कोई बात नहीं, भला गया नहीं तो वापस आता है। अब चलता हूँ घर पे पढ़ने केमिस्ट्री आयोनिक इक्विलिब्रियम। फटाक्स ऐसे लोग का मस्ती देखो, उसमें जो रेसे निकले हैं उसको सब जला रहे हैं। तो गाइस नेहा ने सारी लाइटें सुबह निकाल दी थी, मतलब कि नीचे ग्राउंड पे रखा था तो उठाकर रख दी तार मतलब वायर सहित। इसे चलो फिर फैलाने, अभी आपको बज रहा है शाम के 5। तो सोच रहा हूँ थोड़ा बोरिंग बोरिंग महसूस हो रहा था गाइस, क्योंकि पढ़ते पढ़ते फिर एक ही जगह, फिर ऐसा थोड़ा मन करा कुछ क्रिएटिव करें, सोचा ऐसे बल्ब को फैला दें। गाइस रोहित देखो फुलझड़ी लगा रहा है, ये अनार ये ये देखो गाइस ये सावधानी से नहीं कि हाथ जला लिया देखो, और ये बॉबी ये कैसा। तो गाइस देखो रात में बाहर की लाइटें एक उस बगल लगा वहाँ पे ग्रीन कलर का। गाइस द्वार पे ऐसे कुछ लग रहा है, मस्त तो लग रहा है। और अपनी वाहनें वहाँ पे खड़ी हैं। तो भाई तो गाइस खाना वाना हो गया है, देखते हैं कब तक पढ़ते हैं। अभी आपका 9:30 बज रहा है, बोल रहे हैं सब किसान हैं। और किसान भाई आलू पे कोई सब्सिडी चाहिए सरकार से? बोलिए हम न्यूज रिपोर्टर आए हैं। हाँ सर। देखो इधर इधर भी इधर भी इधर भी, इस पे देखो मेड़ी चढ़ा गया, आलू तोप दिया गया, आलू तोप दिया गया। रोहित नया बना रहा है अब, जिसमें आलू को बोएंगे। सब बनाइए सर, सीधा रहना चाहिए ना, और गहराई भी मिनिमम मैक्सिमम के बीच में। ये देखो बेचारी इतनी डिसिप्लिन है कि हाथ टूटा है, इतनी मेहनती है, फिर भी देखो दीपावली में देखो दिए नहीं आलू लगा रही है लोग यहाँ पे। बस करो रुलाओगे क्या, मेहनती हमारे हैं, खर्चा चला रहे हैं कि हमें नहीं लोगे वीडियो में, इन्हें भी लो आलू को तोप रहे हैं ये। तो भाई देख लो ऐसे कुछ दिख रहा है प्लांट, वैसे आखिरी लाइन खींच रहा है ये, और आलू ख़त्म हो गए दादी गई घर से काट कर लाने के लिए। हम इसे ऊपर से गिराते गए सेजल, उसको अरेंज करके कर रही है। मेहनत इसमें है उसका मेड़ी चढ़ाने में, ये तो काम थोड़ा आसान है ना रोहित, सबसे ज़्यादा मेहनत मेड़ी चढ़ाने में।